हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं स्टेलेंटिस में काम करता था, आप लोग को पता ही है। मैं वहाँ से काम छोड़ चुका हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे साला में, यहाँ का एकोमोडेशन का फैसिलिटी मैं बोला कि दिखा दूँ। यहाँ पे ये जो है अपार्टमेंट है, आप लोगों को मैं व्यू पीछे से दिखाता हूँ, पीछे कैमरा से। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, जब तक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, मैं सोचा कि ये लाइट से ही स्टार्ट करूँ। ये लाइट देख सकते हैं इतना अच्छा है, तो कमरा कितना अच्छा होगा। तो चलिए कमरा दिखाते हैं। ये हो गए कर्टन विंडोज, जो यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ से भी बाहर का व्यू दिखा दे, जैसे मुझे लगा नहीं, बालकनी से आप लोग को बाहर का व्यू दिखा देंगे। ये हो गया जो मेरा महादेव जी का रुद्राक्ष रखा हुआ है मेरे कमरे में। जय भोले बाबा। तो ये हो गया, आप अलमराई देख सकते हैं। यहाँ पे अलमराई बहुत बड़ा रखा हुआ है। ये अलमराई हो गया, ये हो गया अलमराई, ये छोटा है अलमराई। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी सामान सब रखा हुआ है। आप लोग को सामान भी दिखा सकते हैं। मैं अब अपना पर्सनल यूज करने के लिए सामान कपड़ा रखे हुए हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया मेरा बेड, ये मेरा बेड हो गया, ये मेरा दोस्त का बेड हो गया। अभी वो ड्यूटी गया हुआ है। मेरा बेड अच्छा नहीं है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर मोबाइल चला रहा था। ये सब खाने वाला सामान रखा हुआ है, बर्तन है, खाना बना के अंदर ही लाते हैं, अंदर ही खाते हैं हम लोग। अब चलिए मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। आप लोग भी बाहर का व्यू देखने के लिए एक्साइटेड होंगे किचन का। तो मेरे कमरा से बाहर निकलते हुए पहले, सबसे पहले क्या आता है दिखाते हैं आपको, किचन। आप लोग देख सकते हैं किचन, ये किचन। खाना बनाओ, अंदर जाओ, यहाँ पे खाओ, डाइनिंग पे खाओ या रूम में खाओ। ये बहुत अच्छा किचन है, यहाँ पे बर्तन धो सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे ये सबसे अच्छा कि इंडक्स वाला सिस्टम नहीं है, हीटिंग वाला, ये गैस पाइपलाइन से आया हुआ गैस वाला सिस्टम है। गैस पर खाना बनाइए। ये ओवन यहाँ पे हो गया, ये ओवन हो गया, एक ये ओवन हो गया, ये फ्रिज हो गया। फ्रिज में बहुत सारा सामान रखा हुआ है। आप लोग क्या पसंद पड़ रहा है, आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिए क्या खाना है आप लोग को। चलिए आप फिलहाल के लिए फ्रिज बंद करता हूँ। यहाँ पे सब ग्लास भी रखा हुआ है, जो चाहिए वो निकाल के यूज कर सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है, टोक नहीं है, सब अपना ही है, सब इसी का ही है, एकोमोडेशन का ही है। ये अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट का है, सब सब का ही है। चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ टॉयलेट। ये हो गया टॉयलेट, देख सकते हैं। अब वही चीज़ मुझे खराब बहुत लगता है कि इसमें पानी वाला सिस्टम नहीं रहता है, पानी से नहीं। यहाँ पे सब कोई टिश्यू पेपर यूज करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया बाथरूम, बाथरूम में सबसे पहले मुझे ये कि अच्छा लगा। सबसे पहले वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है ये जो फ्री है, वॉशिंग मशीन। और वहाँ पे गलांटा भी थे, तो वहाँ पे पैसा लग रहा था 3 यूरो, यहाँ पे तो पैसा बचेगा। ये हो गया मिरर, आप लोग देख सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा बाथरूम है। अब सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे, रोमानिया का है, वो लोग सब सामान रखा हुआ है लोग, मेरा भी है इसमें। ये हो गया बाथरूम नहाने के लिए, आप देख सकते हैं। आप लोग फिल्म में देखे होंगे या किसी का घर में होगा। मुझे इस पे नहाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा देसी स्टाइल ही बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ पे ये फैसिलिटी में देख मज़ा आ जाता है इसमें भी नहा के। देख सकते हैं इसमें एक हॉट आएगा, कोल्ड पानी आएगा, जो पानी चाहिए, जिस तरह का पानी चाहिए उस तरह का पानी बन जाता है। चलिए अब मैं बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना है वो पूछिए हमसे। चलिए बताते हैं। ये किचन में से ही व्यू मिलेगा, किचन से बाहर यहाँ से बालकनी देख सकते हैं। तो गाइस ये बालकनी का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं बालकनी का व्यू। अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, गाँव का इधर है डेनुब रिवर, हम रिवर के पास में ही है। ये हो गया बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, ईसाई बिल्डिंग, मैं ईसाई बिल्डिंग में हूँ। इधर हो गया टेस्को, इधर है। तो दोस्त ये अपार्टमेंट कैसा लगा, अब आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए गलांटा से कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, गलांटा में कुछ भी नहीं है, वो हॉस्टल टाइप एकोमोडेशन है।
अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे आके या आके सिगरेट पीता है, देख सकते हैं आप लोग बाहर बालकनी में निकल के। अब यहाँ के रूम के अंदर सिगरेट तो पीने को नहीं मिलता है, अलाउ नहीं है। ड्रिंक तो कर सकते हैं रूम में, अगर ग्लांडा का एकोमोडेशन के अंदर ड्रिंक करना अलाउ नहीं था। तो चलिए दोस्त, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं थोड़ा अपना भी फेस दिखा दूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं स्टेलेंटिस कंपनी छोड़ चुका हूँ, वहाँ पे मेरा काम छोड़ा हुआ लगभग 20 दिन हो गया। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा TRC भी चेंज हो गया है, और TRC चेंज हो गया है। अब कंपनी का ज्वाइनिंग डेट का वेट कर रहे हैं, कंपनी किस दिन से बुला रहा है। अपना तो एजेंसी एकोमोडेशन में रख दिया है, इसका पैसा नहीं लगता है, एकोमोडेशन फ्री है। और यहाँ पर अभी वही दिन भर मोबाइल चला रहे हैं रूम में है। अभी कहीं पार्ट टाइम जॉब इधर नहीं मिलता है, उतना इजी नहीं है पार्ट टाइम जॉब करना, यहाँ पर पार्ट टाइम नहीं परमानेंट रखता है लोग। तो दोस्तों, आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो कीजिए दोस्त को, जो आ रहा है उसको भी हेल्प मिलेगा, जो नहीं आया उसको भी दिखाइए, अच्छा लगेगा। ये अपना घर जैसा ही फील होता है, कि नहीं लगता है कि बाहर आया हूँ मैं, इसमें बहुत अच्छा फील होता है। तो लव यू गाइस, चल मिलते हैं।